हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुकी है। अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। शपथ ग्रहण समारोह अब 17 अक्टूबर को होगा। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने समय आने पर कैबिनेट को लेकर जानकारी दी है। शपथ ग्रहण की तारीख टेंटेटिव क्या मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोड हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। तरह कौन कौन आएंगे जी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी उच्च लीडरशिप उसमें रहने वाली है। और 17 तारीख को हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे जो ऑब्जर्वर हैं वो ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर विधायकों से बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद जो भी विधायकों का निर्णय होगा उस सरोवर। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली ने शपथ ग्रहण को लेकर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री भी शपथ लेंगे। कल रात को ही देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें समय मिला है, जो हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बनी है। उस तीसरी बार की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी उसके शपथ समारोह का जो समय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो संगठन और सरकार के तमाम सभी राष्ट्रीय नेता और सभी मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में हम सबको निमंत्रण दिया है और 17 तारीख को पंचकुला जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर इसका स्थान निश्चित हुआ है और 17 तारीख को पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रहेगा। ये दो विषयों की जानकारी आप सब से साझा करनी थी। समय 11 बजे। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार बनेगी तो कैबिनेट में किस किस को जगह मिलती है और बीजेपी किन समीकरणों को ध्यान में रखकर कैबिनेट का गठन करती है। सूर्य समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर, सोनीपत से सनी मलिक और दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।